नमस्कार, आज हम बात करेंगे सेट के बारे में और इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। सो क्लास प्लस वन है, बुक जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं दैट इज़ मॉडर्न एबीसी, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा और आपका जो टॉपिक है दैट इज़ सेट और सब टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, मतलब मॉडर्न की बुक का। दिस इज़ योर बुक, यू कैन सी इस बुक का चैप्टर नंबर वन, जिसका हम लोग पेज वन बाय वन एंड वन बाय टू इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ राइट ऑन को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। तो बात करते हैं सेट होता क्या है। सेट की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन। अगर हम कहें कलेक्शन की बात करें सबसे पहले, क्योंकि कलेक्शन के साथ ही हमारे पास क्या बनता है, सेट बनता है। कलेक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके रखते हैं उसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टडी टेबल पर बैठे हो और उस स्टडी टेबल पर आपके पास बहुत सारे पेन और पेंसिल्स हैं और आप उन सबको कलेक्ट कर लेते हो, पेन और पेंसिल्स को कलेक्ट कर लेते हो, जो भी आपके पास पड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। सिंपल, हाँ या ना, द क्वेश्चन इज हियर, क्या वो एक सेट होगा या नहीं? कलेक्शन होगी वो हमको पता है, दैट इज़ अ कलेक्शन, पर क्या वो एक सेट होगा, दिस इज़ योर क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको एक क्लास में भेज दिया जाता है, या फिर आपकी ही क्लास की बात करते हैं, आप सब प्लस वन क्लास के बच्चे हो और प्लस वन क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, राइट? तो प्लस वन क्लास में जब आप जाओगे और आप देखोगे, मैंने आपसे कहा कि जाओ उन सब बच्चों का सेट बना के लेके आओ जो इंटेलिजेंट हैं। अब आप सोचोगे कि इंटेलिजेंट बच्चों का मैंने सेट बनाना है, तो क्या वो सेट है या नहीं है? वो कलेक्शन तो है, आप कलेक्शन तो कर लोगे कि हाँ जी, जो मेरा फ्रेंड राहुल है दैट इज़ इंटेलिजेंट इन इंग्लिश, जो मेरे फ्रेंड मनीषा है वो क्या है, मैथ्स में इंटेलिजेंट है, तो आप सबको ले लोगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं है, थर्ड एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास में 95% से अब जिन बच्चों के भी मार्क्स हैं उन सब की कलेक्शन करो और बताओ क्या वो सेट होगा या नहीं होगा, तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिर से आ जाता है, क्या ये सेट होगा? तो ये सारी कलेक्शंस तो हैं, इन सबको हम लोग कलेक्शन तो बोलेंगे क्योंकि आप यहाँ पे कलेक्शन कर पा रहे हो, ठीक है? बट अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, ठीक है? सो हेयर इज़ द क्वेश्चन, क्या आपकी कलेक्शन वेल डिफाइंड है? तो अब यहाँ पे बात होने लगती है, वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है? दैट थिंग जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। मतलब जब मैंने आपसे ये कहा था कि अपनी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का सेट बनाओ, तो आपने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हियर इज़ अ रिया, जो मैथ्स में तो अच्छी खासी इंटेलिजेंट है बट शी इज़ वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में कमज़ोर है। यहाँ पे जो राहुल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो राहुल कौन है? जो इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट साइंस उसका काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या नहीं है? तो ये जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर रिया मैथ में अच्छी है तो वो इंग्लिश में वीक भी तो है। अगर आप इंग्लिश टीचर से जाके पूछोगे क्या रिया इज़ ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो वो सीधा मना कर देंगी, नहीं जी बिल्कुल नहीं। अगर आप राहुल के इंग्लिश टीचर से जाके पूछोगे क्या वो अच्छा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो कहेंगे हाँ जी राहुल तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छा है। बट अगर आप उसके लिए साइंस टीचर के पास जाओगे तो साइंस टीचर कहेगा आपको अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, राहुल इज़ अ नॉट अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि एक टीचर यस बोल रहा है और एक टीचर नो बोल रहा है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ होता है जो सबके लिए सेम हो, मतलब या तो वो सबके लिए यस होगा या फिर सबके लिए नो होगा, किसी भी तरीके से वो मिसमैच नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये कलेक्शन तो हो सकती है बट ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहीं पे हमने एक और एग्जांपल ली थी कि अगर आपको कहा जाए 95% से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट बनाएं, तो यहाँ पे आपके लिए इजी हो गया काम। कैसे इजी हो गया? आपको हो गया कि हमें तो पता है ओवरऑल हमें कुछ नहीं करना, ओवरऑल मार्क्स को चेक करना है। जब हमने ओवरऑल मार्क्स को चेक किया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 95% से अबव मार्क्स हैं। अब डजेंट मैटर वो किसमें वीक हैं किसमें इंटेलिजेंट है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने तो ओवरऑल 95% से ऊपर देखने थे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे आपके जिस भी टीचर से आप कंसर्न कर लो, जिस भी टीचर से आप बात कर लो, वो सारे यही कहेंगे कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, यू आर वेरी राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ अ कलेक्शन जो सबके लिए सेम है, सारे ही टीचर यहाँ पे यस आंसर कर रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सबके लिए सेम है। वन मोर एग्जांपल आई वांट टू टेक कि अगर मैं पूछूँ क्या मैथ इजी सब्जेक्ट है, एक सेट बनाओ उन बच्चों का जिनके लिए मैथ एक इजी सब्जेक्ट है। तो कुछ बच्चे कहेंगे यस, क्वेश्चन पूछ रही हूँ चलो मैं कि मैथ एक इजी, कुछ बच्चे कहेंगे नो। कुछ बच्चों को लगता है कि मैथ इजी है पर फिर भी वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो दिस इज आल्सो अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? आई होप दिस टॉपिक विल क्लियर। सो सिंपल सी यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सेट क्या होता है। सो हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, जस्ट वेट, येस, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सिंपल। तो आई होप सेट और कलेक्शन में आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सिंपल से एक डेफिनेशन है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमें अराइज, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ये सब तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, हम तो मैथ की स्टडी कर रहे हैं, मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैथ में हमें कुछ बताएं। तो सबसे पहली बात, जो सेट है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सेट रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी सेट को डिनोट करना चाहते हैं, हेयर इज़ अ पॉइंट, अगर हम किसी भी सेट को डिनोट करना चाहते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। द सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या हो गया जी? अब ये बात तो हम सबको पता है ना, कैपिटल लेटर्स किसके होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ही तो होते हैं। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और फॉर एग्जांपल आप उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल बी से, सी से, अप टू सो ऑन, एक्स वाई जेड वट एवर यू वांट। सो इसमें आप लोग वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो मैथ में कुछ ऐसे सेट ऑलरेडी हमारे पास हैं जिनको हम एज एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है, ये मैथ है, तो मैथ में कुछ ऐसे ऑलरेडी सेट बने हुए हैं जिसको हम लोग एज एग्जांपल देखते हैं। तो वो सेट कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एन की। जो कैपिटल एन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आई वांट टू नो योर आंसर। जो कैपिटल एन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जी? आप कहोगे हमें पता है, वो नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम वो उन सब नंबर्स को लाइक 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इनफिनाइट नंबर्स को एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, ध्यान देना यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट है मैं देख पा रही हूँ वो कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, और कैपिटल W से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वी ऑल शुड नो दैट जो कैपिटल W है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर्स को, 4 होल नंबर्स।
होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? हम सबको पता है कि होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो भी आ जाता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जब हम ज़ीरो को भी ले लेते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द सेकेंड अवर मैथमेटिकल सेट जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ दैट इज़ I और Z। I और Z के साथ किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? एनीबडी? आई होप आप सब साथ साथ रिपीट कर रहे होंगे मेरी बातों को। I और Z के साथ किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डोंट फॉरगेट, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। मतलब माइनस इन्फिनिटी से ये शुरू हो जाते हैं जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है जी, एंड ज़ीरो आता है और उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं अप टू इन्फिनाइट। सो इट इज़ द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। इसको हम लोग आई और जेड दोनों में से किसी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे सेट हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ जो एग्जांपल आपके सामने है दैट इज़ फॉर क्यू। क्यू किस चीज़ का सेट रिप्रेजेंट करता है? क्यू इज़ अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जी? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्यू शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ गया तो ये इन्फिनाइट बन जाएगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि नॉट डिफाइंड बन जाएगा, विच इज़ नॉट राइट। सो रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं, क्या मुझे ये बताओ कि जो ज़ीरो है क्या वो रेशनल नंबर है, तो आप लोग क्या बोलोगे? यस, जी ज़ीरो मेरे पास रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ज़ीरो को मैं ज़ीरो बाय वन करके भी लिख सकती हूँ। क्या मेरे पास माइनस फाइव एक रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि मैं माइनस फाइव को माइनस फाइव ओवर वन करके भी लिख सकती हूँ। क्या वन बाय टू मेरे पास एक रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे यस, वन बाय टू मेरे पास रेशनल नंबर है। क्या वन बाय ज़ीरो मेरे पास रेशनल नंबर है? नो, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये कोई ऐसा नंबर मैथ में होता ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड है, ये गलत है। क्यू शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें दैट इज़ फॉर आर। आर मीन्स टू से रियल नंबर्स। कैपिटल आर और बोल्ड आर हमेशा रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिसकी अगर हम बात करें, सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, दीज आर नोन एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स ए टू जेड जितने भी डेसिमल, रेशनल, इंटीजर, होल नंबर, ए टू जेड नंबर जिसमें इंक्लूड होते हैं। सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिटल सी, इसके बारे में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि रियल नंबर के बाद भी एक दुनिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। चिंता ना करें, हम इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में, आपका पूरा चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर 5, तब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द नेक्स्ट थिंग इज़ के अच्छा ये सब तो ठीक है, हमें पता चल गया कि कौन कौन से सेट होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सेट जिनसे मिलकर बनता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जिन चीज़ों से सेट मिलकर बना, दैट इज़ एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कह दिया कि ऐसा करो, 10 से छोटे वो सारे नंबर लिखो जो 2 के मल्टीपल हैं, 10 से छोटे वो सारे नंबर लिखो जो 2 के टेबल पे आते हैं, जो 2 के मल्टीपल हैं। तो आपने लिख दिया, आपको पता है कि पहली बात तो सेट को किसी ना किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, फिर सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ये भी मुझे पता है। अच्छा, 2 के मल्टीपल कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद मैंने लिखना नहीं है, 10 और 10 से छोटे नंबर्स मैंने लिखने हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया?
एक सेट बन गया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप अगर लिखोगे तब भी यही लिखोगे, आप अगर आपसे मिलो दूर बैठे किसी दोस्त को कह देते हो कि आप लिखो जी फ़ोन पे, तो वो भी यही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके जो ये वाले हिस्से हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स जिनसे मिलके आपका सेट बनता है, ठीक है, इनको आप एलिमेंट्स बोल लो, इनको आप मेंबर्स बोल लो, ठीक है, इनको आप एलिमेंट्स बोल लो, इनको आप मेंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेंबर ही तो हैं, ठीक है जी। और आप इनको पॉइंट्स भी बोल सकते हो, तो जो आपका मन करता है वो आप इनको बुलाएं, जो आपको नेम अच्छा लगता है, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ से आपको बता देना चाहती हूँ कि ये डिनोट कैसे किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि मुझे सेट को सिर्फ कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है, वैसे जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, दे डिनोट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर्स। और स्मॉल लेटर्स हम सबको पता है जी कौन कौन से होते हैं, वी ऑल नो दैट, दैट इज ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब अगर आपको नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है तो हम उसको जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। अगर हम बात करें वन फ्यू मोर थिंग्स, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, उन सिंबल्स की बात कर लेते हैं, चलो। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्बोलिकली। सिम्बोलिकली हम किस किस सिंबल्स का यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले जो है दैट इज़ दिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग नेम से कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि बिलोंग मतलब कहीं ना कहीं उस सेट में होगा या नहीं होगा, राइट। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं जो मैंने अभी अभी लिखी थी, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये मैंने एग्जांपल लिखी थी। इस एग्जांपल में मैंने क्या देखा, मैंने आपसे पूछा मुझे ये बताओ क्या 5 आपके सेट में है, आपने कहा नहीं मैम आपको देख के नहीं समझ आ रहा कि 5 यहाँ पे नहीं है, ओके। मैंने आपसे पूछा चलो ठीक है ये बताओ क्या 8 आपके सेट में है, तो आप कहोगे यस देखो 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ माई सेकेंड एलिमेंट। तो जब आपका कोई एलिमेंट आपके सेट में बिलोंग करता है, मैं कह रही हूँ 5 इज़ बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 5 बिलोंग्स टू ए इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना हमें, हमें क्या करना है, हमें इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ 5 बिलोंग्स टू ए, सिंपल, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। सॉरी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 5 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप इसके ऊपर काटा मार दो कि नहीं जी बिलोंग नहीं कर रहा, और 8 बिलोंग कर रहा है, आप कहोगे यस 8 तो है हमारे सेट में, तो आप कहोगे 8 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है कि 8 ए में पड़ा है और 5 ए में नहीं पड़ा, ठीक है, सिंपल, ठीक है जी। सो दिस मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू, डोंट फॉरगेट, एंड दिस मीन्स बिलोंग्स टू, ये दो सिंबल्स हमने एक ही बार में कर लिए। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ सेकेंड वन, दिस वन, क्लियर, इजी, सिंपल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब एक सेट को रिप्रेजेंट करना कैसे है, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है जी, उनको अलग अलग नेम से जाना जाता है, तो हम सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सो लेट स्टार्ट न्यू सब टॉपिक ऑफ आवर इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, चलो। तो सबसे पहले हम बात करने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के पहले मेथड की, हम दो मेथड करेंगे, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन जो मेथड है जिसको आप लोग क्या बोलोगे, रोस्टर या फिर टेबुलेशन फॉर्म, आप इसको रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो, आप इसको टेबुलेशन फॉर्म भी बोल सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, रूल मेथड भी कह सकते हो, दोनों ही सेम बात है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। चलो बात करते हैं पहले वाले से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म नहीं समझ में आ रहा, टैबुलेशन फॉर्म लिख लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, दैट इज सेकेंड नेम, ठीक है। सो अगर हम बात करें व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म, जब आप किसी भी सेट को इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म लिखते बोलते हैं। मतलब मैंने आपसे कहा ऐसे करो, ऑड नंबर लिख दो, 10 से छोटे ऑड नंबर लिख दो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको पता है कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करना है और हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। तो आपने 10 से छोटे नेचुरल ऑड नंबर लिख दिए, तो ये मैंने क्या किया, एलिमेंट्स के फॉर्मेट में लिख दिया, एलिमेंट्स इकट्ठे किए और लिख दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या फिर टेबुलेशन फॉर्म बोलेंगे, सिंपल। सेकेंड अगर हम बात करें, अगर मैं आपको कहूँ नहीं मुझे ये वाला मेथड पसंद नहीं आया, कुछ हट के लिखो, मुझे एलिमेंट्स इकट्ठे करके ना दो, मुझे सिर्फ एक रूल लिख के दे दो कि हाँ जी ये होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, सेट बिल्डर फॉर्म। और रूल मेथड, देखो नेम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, दैट इज रूल, सिंपल रूल लिख दो कि हमें इकट्ठा क्या करना है, ठीक है। मीन्स टू से जब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे नेचुरल ऑड नंबर्स लिख के दो, तो आपने कैसे लिख दिया, ए ए कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, फिर मैंने डबल डॉट लगाई, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट बिल्डर फॉर्म सेट, ठीक है। सो एक्स, एक्स ए सेट है, एलिमेंट है, और एक्स कैसा एलिमेंट है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे, जी मुझे तो ऑड नेचुरल नंबर बोला है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो एक्स है वो 10 से छोटा होना चाहिए। सो आपने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे एक पूरा रूल बन गया कि आपने ये एलिमेंट्स के ये रूल है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया। तो दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हो, पहले जो फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और द टेबुलेशन फॉर्म, सेकेंड जो है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, जब एक सेट होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें कभी भी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। मीन्स टू से अगर आपको कह दिया कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस एग्जांपल को दोनों फॉर्मेट में लिखो, मीन्स टू से रोस्टर फॉर्म में भी लिखो और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो। तो आपने क्या किया, किसको लिखना है जी, एक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एक वर्ड है, इसमें जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं या इंग्लिश वर्ड्स आते हैं उन सबको सेट में लिखो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, आप सबको पता है रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए मुझे सबसे पहले इसको किसी ना किसी नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 20 नाम दे दिया सेट को और कर्ली ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने देखा यहाँ पे सबसे पहले एस है, टी है, मतलब किन किन अल्फ़ाबेट से मिलके बना है, ए है, आई है, ठीक है जी, टी। देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने टी नहीं लिखा। अब आप सोचोगे मैम आपका एक टी रह गया, नहीं हमें क्या करना है, टी को एक बार ही लिखना है। डोंट फॉरगेट कि जो रेपिटेशन है वो नहीं होती, रेपिटेशन नल ही नहीं होती सेट के अंदर। अगर आप एक बार टी को लिख चुके हो तो लिख चुके हो, ठीक है। एस भी रिपीट हो गया तो मैं नहीं लिखूंगी, टी फिर से रिपीट हो गया आई विल नॉट राइट, आई भी रिपीट हो गया नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस फिर से रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। सो दिस इज माई सेट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स,
समझ में आया? STAIC। अगर इसी को हम लोग लिखने चले सेट बिल्डर फॉर्म से तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ योर सेट विच इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखोगे? पहले तो सेट का नेम लिखोगे विच इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिखोगे एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज़ क्या है? लेटर है, जा लेटर ही कहेंगे, ठीक है। लेटर ऑफ द वर्ड, किस वर्ड का लेटर है जी? स्टैटिस्टिक्स का। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो ऊपर मैंने काम किया नीचे मैंने रूल लिख दिया। तो कहने का मतलब क्या है? दिस इज योर रूल एंड दिस इज योर रोस्टर। रिपीटेशन नहीं करना, सिंपल। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर क्लास। सो दिस इज द टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।